हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां भारत के परमाणु हथियार नष्ट करने का चुनावी वादे पर मच गया बवाल। जी हां, भारत में ही घिर गई है विपक्षी पार्टी। जी हां, भारत के परमाणु हथियार को नष्ट करने का वादा किया है दोस्तों, जिसके बाद बताएंगे केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया। तो वही इसराइल पर ईरान के हमलों के बाद बदले हालात। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने किया भारत का दौरा स्थगित। जी हां, साथ ही भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी 4 दिवसीय उज्बेकिस्तान की यात्रा के लिए हुए रवाना। बताएंगे क्या ईरान इजराइल युद्ध पर भारत निभाएगा बड़ी भूमिका। साथ ही साथ इजराइल पर मिनी परमाणु बम गिराने की दी गई है धमकी। कहा किसी भी क्षण गिराया जा सकता है। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, भारत देश का पुरजोर समर्थन करते हैं, मानते हैं अपना भारत महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के परमाणु हथियार नष्ट करने के चुनावी वादे पर मच गया बवाल। विपक्ष ने भी बनाई CPM के घोषणा पत्र से दूरी। बता दे बड़ी खबर, देश के परमाणु हथियारों को खत्म करने के वादे वाले CPIM के मैनिफेस्टो को लेकर इंडिया ब्लॉक BJP के निशाने पर आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टी के परमाणु हथियारों को नष्ट करने के चुनावी वादे पर जमकर निशाना साधा था। PM मोदी ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन में शामिल एक दल ने देश के खिलाफ खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे और उन्हें दरिया में डुबो देंगे। जी हाँ, भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना ठीक होगा? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि आपके ये साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु हथियारों को समाप्त करना चाहता है? मोदी देश को शक्तिशाली करना चाहता है, ये लोग देश को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें कमजोर देश मंजूर नहीं, देश इनको सजा देगा, देश की जनता इनको सजा देगी। दोस्तों देश के खिलाफ ये बयान दिया गया है, देश को कमजोर करने के लिए ये बयान दिया गया है, इसीलिए हमने आपको ये खबर सबसे पहले बताया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे पार्टियों को तो नष्ट कर देना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। क्योंकि जो पार्टी देश को आगे ले जाने के बजाय, देश को मजबूत करने के बजाय, देश को कमजोर करने की बात कहे और अपने मैनिफेस्टो में भारत को शक्तिहीन बनाने की बात करे, ऐसी पार्टी क्या भारत की किसी भी जनता को चाहिए होगी? दोस्तों कमेंट में लिखकर जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद बदले हालात। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने भारत दौरा किया स्थगित। बता दे ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों के बाद मध्यपुर में हालात हर पल बदल रहे हैं। हालात इस तरह के बन गए हैं जिसका सीधा असर दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है। इस बीच इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद पश्चिमी एशिया में बनते बिगड़ते समीकरणों के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने इस सप्ताह अपने भारत दौरे को स्थगित कर दिया है। बाइडेन सरकार के अधिकारी अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर अमेरिका भारत पहल यानी ICET सहित अन्य मुद्दों पर बैठक करने वाले थे। सुलिवन ने इस साल दूसरी बार अपने भारत दौरे को स्थगित किया है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम के कारण सुलिवन ने इस सप्ताह अपने भारत दौरे को स्थगित किया है। जी हां, तो वहीं आपको बता दें भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी 4 दिवसीय उज्बेकिस्तान की यात्रा के लिए हुए रवाना। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी 15 से 18 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर हैं। ये विजिट भारत और उज्बेकिस्तान गणराज्य के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सेना प्रमुख उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ बैठक भी करेंगे। ये संवाद दो देशों की सेनाओं के बीच मजबूत सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 16 अप्रैल को COS भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो द्वितीय विश्व युद्ध में उज्बेकिस्तान के योगदान और बलिदान को याद करते हुए विक्ट्री पार्क का दौरा करेंगे। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने इजराइल पर मिनी परमाणु बम गिराने की दी धमकी। का विनाशक मोड लेने वाला है युद्ध। बता दें मध्यपुर में तनाव कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सख्ती से दबाव डालने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि युद्ध एक विनाशकारी दिशा में बढ़ता जा रहा है। ईरान को डर है कि इजराइल किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है, लिहाजा ईरानी अधिकारी बार बार धमकी जारी कर रहे हैं। अब एक शीर्ष ईरानी अधिकारी ने इजराइल के खिलाफ उन हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी है जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है। लेटेस्ट बयान में कहा गया है कि तेहरान तेल अवीव के खिलाफ सामरिक हथियारों का उपयोग कर सकता है जिन्हें इजराइल के खिलाफ मिनी परमाणु माना जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट ने ईरानी धमकी को चिंताजनक करार दिया है क्योंकि अगर ईरान ऐसे किसी हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो हथियार इजराइल में तबाही ला सकता है और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई दुनिया के नक्शे से ईरान का नामोनिशान मिटा सकता है। कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है तो लाखों लाख लोग मारे जाएंगे। ईरान
से संबंधित लेबनानी समाचार आउटलेट अल मयादीन न्यूज से बात करते हुए ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता अबोल फजल अमोई ने धमकी देते हुए कहा है कि तेहरान ने उन हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार किया है जिन्हें उसने पहले कभी तैनात नहीं किया है। अमोई ने कहा कि हम किसी भी इजरायली आक्रमण का सामना करेंगे और उसका जवाब देंगे। हम उन हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार है जिनका हमने पहले कभी उपयोग किया ही नहीं। हमारे पास सभी परिदृश्यों के लिए योजनाएं हैं और हम ज़यानी वादियों से तर्कसंगत रूप से काम करने का आह्वान करते हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, आयरलैंड में भारत के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर ऐसा क्या बयान दिया कि कांग्रेस करने लगी उनको बर्खास्त करने की मांग। बता दें, कांग्रेस ने आयरलैंड में भारत के राजदूत को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि आयरिश टाइम्स में छपे एक संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोपों का जवाब देते हुए आयरलैंड में भारतीय राजदूत द्वारा विपक्ष पर हमला करना बेहुदा और अपमानजनक था। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा का जिक्र करते हुए कहा कि एक राजदूत से एक पार्टी विशेषज्ञ की तरह विपक्षी दलों पर खुलेआम हमला करने की उम्मीद नहीं की जाती थी। कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि एक राजनयिक का सरेआम पार्टी सदस्य की तरह विपक्षी दलों पर हमला करना शर्मनाक व्यवहार है और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। द आयरिश टाइम्स को दिए अपने जवाब में भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन पर निशाना साधा। दरअसल बता दे पूरी बात क्या है, क्या बयान दिया उन्होंने, जो कांग्रेस हमलावर हो गई। दरअसल अखबार में 11 अप्रैल को छपे संपादकीय को लेकर भेजे जवाब में मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर अभूतपूर्व लोकप्रियता और कद हासिल है। ये नवीन समावेशी शासन और सतत विकास पर त्रुटिहीन व्यक्तिगत चरित्र और ईमानदारी और विचारवान नेतृत्व के कारण है। राजदूत ने यह भी लिखा कि भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें जमा चुके तंत्र यानी भारत में एक ही वंशवादी पार्टी द्वारा 55 साल के शासन द्वारा निर्मित के खिलाफ लड़ाई मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक प्रमुख कारक है। दोस्तों, यही वो मेन पॉइंट है जो कांग्रेस को खलने लगी, जिस पर जयराम रमेश ने बयान जारी किया। उन्होंने पोस्ट किया कि भारत सरकार का बचाव करना एक बात है और एक राजनयिक से इसकी उम्मीद भी की जानी चाहिए, लेकिन एक पक्ष की तरह इस तरह से विपक्षी दलों पर खुलेआम हमला करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि ये राजदूत वास्तव में एक करियर डिप्लोमेट है जो उनकी टिप्पणियों को और शर्मनाक बनाती है, अपमानजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य बनाता है। इस पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिका ने लगाया अड़ंगा, नहीं तो भारत के पास होता इजरायली ब्रह्मास्त्र। एरो अंतरिक्ष में तबाह की ईरानी मिसाइलें। जी हां दोस्तों, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजरायल के जिस रक्षा कवच की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष में भी ईरानी मिसाइलों के खिलाफ कारगर रहा और सटीक पलटवार किया। एरो ने ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराकर अपनी ताकत का लोहा मनवा डाला। इजरायल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक मार करने वाली दुश्मन की मिसाइलों को अंतरिक्ष में रहने के दौरान ही मार गिराने के लिए बनाया गया है। एरो सिस्टम का जन्म इराक के 42 स्कड मिसाइल दागने के बाद हुआ था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायल दोस्त भारत को देना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने अड़ंगा डाल रखा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भारत को यह सिस्टम बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वजह से मामला फंसा हुआ है। इसके पीछे बड़ी वजह मिसाइल तकनीक कंट्रोल रिजीम संधि है। यह संधि 500 किलो के वार हेड से लेस 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को देने से रोकती है। एरो सिस्टम में यह क्षमता है, MTCR मिसाइलों के ट्रांसफर को नहीं रोकता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि यह बहुत कम होना चाहिए। इसमें काफी जांच भी होती है। खुद व्हाइट हाउस के अधिकारी मानते हैं कि MTCR संधि बहुत कठोर है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका को इसका रास्ता तलाश करना चाहिए ताकि विदेशी सरकारों की सप्लाई किया जा सके। उन्होंने भारत या एरो सिस्टम का नाम नहीं लिया। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिका ने ड्रैगन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा छिपकर यूक्रेनी लोगों के खिलाफ रशिया की मदद कर रहा है चाइना। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच 2 साल से अधिक समय से युद्ध जारी है। इस जंग के थमने का आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहा। इस बीच अमेरिका ने चाइना पर आरोप लगाया है कि वो अपने शब्दों के उलट जाकर रशिया की मदद कर रहा है। चीन हमेशा ही दावा करता है कि यूक्रेन रशिया युद्ध पर वो हमेशा निष्पक्ष रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद बीजिंग यूक्रेनी लोगों के खिलाफ मॉस्को की मदद कर रहा है। चीन जितनी तेजी से रशिया की मदद कर रहा है उतनी ही तत्परता से बयानबाजी भी कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पिछले साल दावा किया था कि सेना से जुड़ी चीजों के निर्यात के लिए चीन ने हमेशा एक विवेकपूर्ण और जिम्मेदार रवैया अपनाया है। हालांकि इस तरह के बयान सबूतों के सामने हास्यास्पद है, जो कुछ और ही बयान करते हैं। साथ ही साथ बता दें, श्रीनगर में हुआ बड़ा हादसा, झेलम नदी में डूबी नाव, 4 बच्चों समेत 6 की मौत की बड़ी खबर। 6 को बचाया, 3 हुए लापता। दरअसल श्रीनगर में बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ झेलम नदी में नाव डूब गई। इसमें 15 लोग सवार थे जिसमें 8 वयस्क और 7 विद्यार्थी शामिल थे। हादसे का पता चलते ही तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। अब तक 12 लोगों की तलाश की जा चुकी है। हादसा गंडबल बंटवारा में हुआ है, इनमें 6 की जान जा चुकी है और 3 का उपचार चल रहा है। 3 अन्य की हालत अस्थिर है जबकि 3 अब भी लापता है। बचाव अभियान चल रहा है, श्रीनगर उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोहीउद्दीन भट्ट ने इसकी जानकारी दी है। जी हां, साथ ही साथ बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 पर जर्मनी ने बताया आगे कैसा है भारत का भविष्य। कहा
बाद दुनिया के सबसे बड़े चुनाव पर है हमारी नजर। जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है। भारत में आम चुनाव को लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों समेत अमेरिका और अन्य देशों में भी चर्चा है। जर्मनी का कहना है कि भारत के आम चुनाव पर वो उत्सुकता से नजर बनाए हुए हैं। जर्मनी ने कहा है कि भारत में 19 अप्रैल से शुरू हो रहे दुनिया के सबसे बड़े चुनाव पर वो बड़े उत्सुकता से नजर गड़ाए हुए हैं और नतीजा चाहे जो भी हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद और बढ़ेगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें पाकिस्तान के लाल टोपी जैद हामिद ने की मिलिट्री ट्रेनिंग अपनों का ही उड़ा डाला मजाक। ईरान और इजराइल के बीच इस समय काफी तनाव है। इजराइल पर शनिवार रविवार रात को ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइली हमले किए। इससे पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के राजनयिक दफ्तर पर इजराइल की ओर से हमला हुआ था। इस बीच पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाले जैद हामिद का एक वीडियो सामने आया है। दोस्तों इस वीडियो में जैद हामिद बकायदा गन लेकर ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैद के इस वीडियो को पाकिस्तान के कई सोशल यूजर्स ने शेयर करते हुए जैद का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लाल टोपी जैद दो पॉइंट के बीच भागते हुए और फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। उसके हाथ में गन है और पीठ पर एक बैग भी है। इस दौरान वो किसी फौजी की तरह से कभी घुटनों पर बैठकर तो कभी लेटकर फायरिंग कर रहा है। जैद के इस वीडियो को शेयर करते हुए पीरधन बलूच ने लिखा कि जैद हामिद यरूशलम के करीब पहुंच चुका था। अचानक उसे ख्याल आया कि घर में पानी की टंकी भर गई होगी तो मोटर बंद कर दूं, बस वो लौट आया। तो वहीं एक पाकिस्तानी ने कहा कि इस आदमी ने अपना पूरा जीवन जिहाद की तैयारी में बिता दिया, लेकिन ये अलग बात है, कहीं जाने की हिम्मत इसकी कभी हुई नहीं, घर बैठे खाली बयान देता है। तो वहीं आपको बता दें इस्लाम के नाम पर ईरान के साथ पाकिस्तान अमेरिका को हड़काया, बोला गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। जी हां, पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का पक्ष लेते हुए अमेरिका को आंख दिखाया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करने की स्थिति में है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस संबंध में सभी जरूरी निर्णय लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का ये बयान तब आया है जब इजराइल पर हमले को लेकर अमेरिका ईरान पर भड़का हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ईरान के खिलाफ और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने को लेकर G7 की बैठक भी बुलाई है। इसके बावजूद पाकिस्तान अगले हफ्ते ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की अगवानी करने को तैयार है। रायसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। जी हां, ईरान के इजराइल पर अभूतपूर्व ड्रोन और मिसाइल हमले को लेकर मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान और ईरान राष्ट्रपति रायसी की यात्रा से संबंधित मामलों पर सहमत हुए हैं, जो एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद आएंगे और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और रावलपिंडी के सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, प्रवासी भारतीयों ने टाइम्स स्क्वायर, हॉलीवुड, डेट्रॉइट और शिकागो में निकाला मोदी परिवार का मार्च। जी हां, प्रवासी भारतीयों के सैकड़ों सदस्य और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी यानी OFBJP यूएस के स्वयं सेवकों ने टाइम्स स्क्वायर, लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट और शिकागो सहित संयुक्त राज्य भर में एक जीवंत मोदी का परिवार मार्च निकाला। OFBJP यूएसए के अध्यक्ष अदापा प्रसाद के नेतृत्व में OFBJP के स्वयं सेवक रविवार को न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर पर एकत्र हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सैकड़ों समर्थक अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने, मोदी परिवार के साथ अपने संबंधों की पुष्टि करने और भारत को एक शानदार संदेश भेजने के लिए यहां एकत्र हुए कि मोदी परिवार दुनिया भर में फैला हुआ है। माहौल उत्साही समर्थकों से भरा हुआ था, जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन के संदेशों से सजे झंडे, बैनर और तख्तियां लहरा रहे थे। जी हां, नेताओं और स्वयं सेवकों सहित समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने मोदी के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रधानमंत्री को मिले भारी समर्थन पर प्रकाश डाला गया। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार भी मोदी जी का ही डंका बजेगा? क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट में हयाना में जवाब जरूर दीजिएगा। कारण के साथ साथ ही साथ बता दें, आखिर कौन है भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला? ये बांग्लादेशी पत्रकार जो अमेरिका से बार बार पूछता है एंटी इंडिया सवाल। जी हां, हालिया समय में अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत और अमेरिका के संबंध, भारतीय लोकतंत्र, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और CAA को लेकर जो भी प्रतिक्रियाएं दी है वो प्रतिक्रियाएं मुशफिकुल फजल अंसारी के सवालों पर दिए हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कुख्यात है। मुशफिकुल फजल अंसारी ने 27 मार्च को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल पूछा था और फिर 28 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता से भी मुशफिकुल फजल अंसारी ने ही सवाल पूछा था। तो वहीं 16 अप्रैल को भी मुशफिकुल फजल अंसारी ने ही भारत में होने वाले चुनाव पर सवाल उठाते हुए फिर से भारत के खिलाफ सवाल पूछा था। हालांकि इस बार अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने उनके 40 सेकंड के सवाल का सिर्फ 9 सेकंड में जवाब देकर उनके प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। जी हां, मुशफिकुल फजल अंसारी ने भारत में होने वाले चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था, जिस पर जवाब देते हुए मैथ्यू मिलर ने सिर्फ इतना ही कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर है। जी हां दोस्तों, ये बड़ा जवाब दिया अमेरिका ने भारत विरोधी एजेंडा फैलाने वाले उस बांग्लादेशी पत्रकार को। साथ ही साथ बता दें, रामनवमी जुलूस से पहले रांची में पुलिस ने किया निरीक्षण, ड्रोन ने पकड़े छतों पर जमा किए गए पत्थर, मस्जिदों मदरसों पर भी रांची पुलिस की नजर। बता दें झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी से पहले प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा।
टूटा हुआ है। रूस में कोई व्यवधान न पड़े इसके लिए प्रशासन ने एक दिन पहले ड्रोन कैमरे से तमाम छतों का निरीक्षण करवाया। जिन छतों पर ईंट या पत्थर रखे गए थे उनके मालिकों को नोटिस जारी करके फौरन उन्हें हटाने के लिए कहा गया। इसी के साथ निर्माणाधीन मकानों के भी मालिकों से यह बॉन्ड भरवाया गया है कि उनकी निर्माण सामग्री का उपयोग हिंसक गतिविधियों में प्रयोग नहीं किया जाएगा। सोमवार यानी 15 अप्रैल को पुलिस ने दंगा नियंत्रण का अभ्यास भी किया। ड्रोन से हो रही निगरानी पर रांची कोतवाली के डिप्टी एसपी प्रकाश सोय ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि ड्रोन और अन्य स्तरों पर हो रही निगरानी की मुख्य वजह दो दिनों तक चलने वाला रामनवमी का पर्व है। जी हां, ऐसे में ड्रोन ने छतों पर जमा किए गए पत्थरों को पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जहां तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी ने नीतीश को पीएम मोदी की रैली में आने से रोका, गया और पूर्णिया नहीं गए सीएम। जी हां, बिहार के गया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल न होने पर सियासत गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आने से बीजेपी वालों ने मना किया, नीतीश को पीएम के साथ मंच पर बैठने से रोका जा रहा है। तेजस्वी ने पीएम मोदी द्वारा आरजेडी एवं लालू परिवार पर हमला बोलने पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे बारे में बोलते हैं, बिहार के लोगों के बारे में नहीं बोलते हैं। जी हां, बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।